हमारे सामने आज आईफोन 15 का बॉक्स और आज हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जैसे कि आपको पता है कि फ्लिपकार्ट से अगर आप कोई भी ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर ओपन बॉक्स डिलीवरी आता है, तो ऑलरेडी ये बॉक्स को बुरी तरीके से फाड़ दिया था डिलीवरी बॉय ने। लेकिन चलिए हम आपको एक वीडियो बनाना है अनबॉक्सिंग का, तो आपको दिखाते हैं इसको क्या क्या बॉक्स के अंदर मिलता है और किस तरह के बॉक्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है ऐसे हिसाब में। तो कुछ इस तरह का छोटा सा बॉक्स आपको मिलता है। सामने की तरफ आईफोन की यहाँ पर डिज़ाइन बनी होती है, ब्लैक वॉल बनाया है तो वहाँ पर ब्लैक भी ऑप्शन आप ऊपर मिल जाएगा। और सबसे पहले ओपन करते ही आपको यहाँ पर फ़ोन इस तरीके से मिलेगा, तो इस फ़ोन को आप देख सकते हैं पूरा मेटल लुक में आता है। ऊपर से इसको हम निकाल देते हैं और इस तरीके का फ़ोन मिलता है। इसको रखते हैं साइड में, साथ में देखते हैं क्या क्या एक्सेसरीज है। तो कि ये एक्सेसरीज आपको पता है चार्जर तो बॉक्स में आता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिम इजेक्टर टूल मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं और यहाँ पे एक चार्जिंग केबल मिलती है जो कि C-Type to C-Type है, जो कि आईफोन 15 के बाद से यहाँ पर देना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर आपको एक केबल मिल जाती है और जो केबल की जो क्वालिटी है वो हमें काफ़ी अच्छी लगी देखने के बाद, मतलब ये लॉन्ग टाइम चलने वाली केबल है, जल्दी से ख़राब नहीं होगी। और टाइप सी मिल रही है तो आपको कहीं भी चार्जिंग के इशू होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप पहले होता था और C-Type to लाइटनिंग केबल जो कि प्रॉब्लम होती थी, नहीं मिलती थी आसानी से। तो ये है हमारा मेन डिवाइस। थोड़ा सा डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। जो डिवाइस है कुछ इस तरह के मेटल लुक में आपको मिलता है, पूरा बहुत ही अच्छी फिनिशिंग मिलती है। आप ब्लैक कलर लेते हैं तो नीचे की तरफ आपको C-Type चार्जिंग पोर्ट मिलता है और साइड में आपको सिम ट्रे और वॉल्यूम अप डाउन और साथ में इस तरह का आपको डिस्प्ले मिलने वाला है जो 6.1 इंच का डिस्प्ले है। और यहाँ पे आपको जो डायनेमिक आइलैंड जो नॉच मिलती है, ऑन कर लेते हैं और सेटअप करते हैं पूरा प्रॉपरली। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपके लिए डेली 2 वीडियो लाते हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।